जो बचपन से और देखा है हमने, पायल की आवाज, सफेद कपड़ा, क्या रिलेशन है ये सफेद कपड़े का और पायल की आवाज से आत्माओं का, ये जानना चाहूंगी मैं। देखिए, हर जगह पायल की आवाज आत्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि मन शांत होता है और योग की जो है ना, एक जो व्याख्या है, योग्य चित्त वृत्ति नियोग और संयोग योग देखते जीवात्मा परमात्मा ना, तो मुख्य है, ये मेन यही है। तो उसमें होता है कि मन जैसे शांत होता है ना, तो सबसे पहले झिंगुर की आवाज आती है, षट ध्वनियाँ, षट ध्वनियाँ जो है, छह अलग अलग तरीके की ध्वनियाँ होती है, तो उसमें सबसे पहले आपका ये झिंगुर की ध्वनि, पायर की, ये सागर की ध्वनि, फिर आती है ये इसकी पायल की ध्वनि, इसी तरीके से बांसुरी की ध्वनि, आना चक्र ओंकार की ध्वनि, ये बहुत सारी ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। तो मन की वह स्थिति के कारण भी किसी को पायल की आवाज़ सुनाई पड़ सकती है, पर वो आत्मा नहीं हो सकती है। तो इसी के लिए हम इसलिए सिखाते भी हैं कि ये चीज़ है, ये है या नहीं। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को पायल की आवाज सुनाई पड़ती है, वो आत्मा है ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं, मन शांत होने के कारण भी वो सारी झिंगुर, आपके मैंने बताया झिंगुर की ध्वनि, आपके सागर की ध्वनि, सागर की लहरों की ध्वनि वो सुनाई पड़ती है, और ये सफेद बांसुरी की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है, ओंकार जो है उसको नाद, जो अनहद नाद, वो भी सुनाई पड़ता है। और ये जो आपने मैंने आपसे पूछा कि सफेद कपड़ा, ये क्या? सफेद कपड़ा जनरली जो है ना, वो लोग जो मतलब जो होता है कि विजुलाइज होता है, सफेद धुएं के रूप में ही जनरली आप दिखता है। अच्छा, आत्मा अपने प्रेजेंस को दिखाती है, कई बार जो अलग अलग चेहरों के रूप में प्रॉपरली चेहरा भी दिखाती है, पूरा चेहरा दिखाती है कि हाँ, किसी दूसरे का चेहरा बना के भी आ जाती है। कौन आत्मा बनता है, मतलब हर कोई आत्मा बन जाता है, हर कोई भटकता है, या कौन भटकता है, ये आपसे जानना चाहूंगी। जिसका जिसको तृप्ति नहीं है, तृप्ति तो किसी को नहीं, मरते मरते हाँ। सबको ही सोचता है और मिल जाता और ले लेते, तो तृप्ति हाँ। तो किसी को नहीं है, लेकिन इसीलिए हमारे गुरुदेव ने बोला कि शास्त्रों के अंदर जैसे चार तरीके की पूजाएं हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज मूर्ति पूजा, दूसरे में लोग जो है मंत्रोच्चारण करते हैं, हवन करते हैं, हवन करने के बाद मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्रोच्चारण के बाद होता है ब्रह्म साधना, तो ब्रह्म साधना ही सर्वोपरि है शास्त्र के अंदर। तो जो ब्रह्म साधना करते हैं, उसमें बोला है मृत्यु काल में जो उस प्रोसेस को करते हैं रेगुलरली, जो ब्रह्म साधना करते हैं, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उनके मन में अवश्य ही जगेगी एवं निश्चित रूप से उनकी मुक्ति होगी। तो नियमित रूप से दो समय साधना करने का प्रावधान है, अपने मन को कैसे रखना है, विड्रॉल का प्रोसेस है कि कैसे अपने जो इस पंच महाभौतिक जगत में अपने मन को कैसे विड्रॉ करना है, तो जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं मृत्यु काल में वो चीज आई जाएगी, तो वो लोग नहीं भटकेंगे, वो निश्चित है। अच्छा, वो लोग नहीं भटकेंगे, वो लोग नहीं भटकेंगे, नहीं तो हजारों करोड़ों लोग हैं जो इस तरीके से भटक ही रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को जो एड्रेस दिया है ना, गलत मिल गया। मतलब बहुत लोगों को एड्रेस गलत मिला है नेचुरली। अब जो पूरी जिंदगी जिसने एड्रेस वही पढ़ा है, लोगों ने कहा एड्रेस पढ़ा है, मैं थोड़ा सा टाइट बोल रहा हूँ, हो सकता है अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, नहीं जरूर बताइए, क्योंकि लोगों का एड्रेस है कि मंदिर का एड्रेस है कि मंदिर में भगवान रहते हैं, मस्जिद में भगवान रहते हैं, गुरुद्वारे में भगवान रहते हैं, सबको यही है। मरने के बाद जब जाती है आत्मा, तो बोले यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो वहीं बैठे हैं, इंतजार में बैठा कोई तो होगा, कब ये तो आएगा कोई, तो ऐसी जगहों से भी कई बार लोगों के साथ सोल्स अटैच हो जाती है।